हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एविएशन नॉलेज वर्ल्ड्स यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे कंपोनेंट के बारे में शेयर करने वाला हूँ जो हम लोगों को एयरक्राफ्ट क्रैश होने के बाद उसके लोकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो यस, यू गाइस गेस्ड इट करेक्ट, इट इज ELT। सो ELT क्या होता है, वो डिवाइस किस तरीके से वर्क करता है, वो कंपोनेंट क्या होता है, उसके टेस्टिंग कैसे होती है, फ्रीक्वेंसीज क्या है, ये सारी क्वेश्चंस के आंसर आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। एंड मैं ट्राई करूंगा आपको इजी से इजी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना और ब्रेक डाउन करके इस तरीके से आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा इन्फॉर्मेशन कि आप लोगों को पूरा ELT जो भी है डिवाइस वो बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड एट द एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके ज़रूर जाना। सो लेट्स बिगेन विद द वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ELT एंड उसका पर्पस क्या है इसके बारे में। सो ELT बेसिकली उसका फुल फॉर्म है इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर। सो ELT हम लोग यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट का लोकेशन पता लगाने के लिए। जैसे ही एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है किसी हिली एरिया में, किसी फॉरेस्ट एरिया में या फिर किसी वाटर बॉडी में, ओशियनिक एरियाज में, तो हम लोगों को लोकेशन पता होनी चाहिए एयरक्राफ्ट के क्रैश की, ताकि जो भी इमरजेंसी सर्विसेज रिक्वायर्ड है, अगर किसी की जान बचने का चांसेस है तो वहाँ पर जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो जल्द से जल्द पहुँच सके। इसलिए हम लोग को ELT डिवाइस से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होती है। सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ ELT, एयरक्राफ्ट का लोकेशन हम लोगों को भेजना, ताकि हम लोग ट्रैक कर सके एयरक्राफ्ट का क्रैश कहाँ पर हुआ है एंड वहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज जल्दी से जल्दी हम लोग पहुँचा सके। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी जिस पर ये ऑपरेट होती है, तो फ्रीक्वेंसी इज 1 to 1.5 MHz एंड 406 MHz। ये न्यू एयरक्राफ्ट के लिए आजकल नई फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 406 MHz और 1 to 1.5 MHz। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन की, कि ऑपरेट किस तरीके से होता है। सो ELT जो है उसकी खुद सेल्फ इक्विप्ड बाय एन बैटरी होता है, ठीक है, उसका खुद का एक बैटरी सप्लाई होता है, यानी कि ये एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है। और ऑब्वियसली क्रैश होने के बाद एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो जाता है, तो अगर ये एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर डिपेंडेंट होगा तो हम लोग को जो लोकेशन है वो ट्रांसमिट भी नहीं कर पाएगा। इसलिए ये सेल्फ इक्विप्ड होती है बाय एन बैटरी। बैटरी के बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे, उसके टेस्टिंग एंड रिप्लेसमेंट के बारे में भी। सो दिस इज सेल्फ इक्विप्ड बाय एन बैटरी। एंड अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ये एक्टिवेट किस तरीके से होता है, क्योंकि क्रैश करते टाइम तो पायलट शायद से इतने ध्यान में ना हो कि इसे ऑन करे, तो इसका जो एक्टिवेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है जैसे ही उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा फोर्स एक्ट करता है। सो यहाँ पर जो फोर्स है वो है 5G। अगर 5G से ज़्यादा फोर्स एक्ट करेगा ELT जो डिवाइस है उसके ऊपर, जो कि ऑब्वियसली क्रैश के टाइम पर इससे ज़्यादा ही फोर्स एक्ट करता है, तो वो ऑपरेट होना शुरू हो जाता है एंड फ्रीक्वेंसी सेंड करना शुरू कर देता है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी सेंड करता है वो जो सैटेलाइट सिस्टम है उसके थ्रू जो नियरेस्ट ट्रैफिक कंट्रोलर टावर है उन लोगों को इन्फॉर्मेशन सेंड किया जाता है। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है या फिर जो फ्रीक्वेंसीज ट्रांसमिट करता है, दैट इज़ ओमनी डायरेक्शनल, यानी कि सारे डायरेक्शंस में ट्रांसमिट करता है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन इज कंटिन्यूस फॉर 50 आवर्स। अगर एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो उसके नेक्स्ट 50 आवर्स तक ये कंटिन्यूसली जो फ्रीक्वेंसी है उसको ट्रांसमिट करते रहेगा। उसके बाद जो ट्रांसमिशन है उसका लेंथ इज 100 miles एंड जो हाइट है इट इज 10,000 feet, यानी कि बहुत बड़े एरिया में ट्रांसमिशन करता है, ताकि हम लोग एयरक्राफ्ट को काफ़ी दूर से भी ट्रेस कर सकें एंड ट्रैक कर सकें विद द हेल्प ऑफ ELT सिग्नल्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ELT टेस्टिंग के बारे में। ऑब्वियसली ELT हम लोग जब भी लैब में टेस्ट करेंगे तो हम लोग किसी भी टाइम पर उसको ऑन करके टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम ELT टेस्ट करेंगे वैसे ही नियरेस्ट टावर को सिग्नल पहुंच जाएगा कि किसी एयरक्राफ्ट का क्रैश हो गया एंड जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो तुरंत रश होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि आपके एरिया तक पहुंच जाएगी। बट एक्चुअल में तो हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम लोग को ये सारी इमरजेंसी फैसिलिटीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है टेस्टिंग के टाइम। सो टेस्टिंग के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं जब भी हम लोग ELT के टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। सो जो रूल है, सबसे पहला है कि हम लोग को ATC को प्रायर इन्फॉर्म करना है कि हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं। उसके बाद जो टेस्टिंग है वो फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ एन आवर तक ही करते हैं। मतलब अगर आप लोग 12:30 को डिसाइड करते हो आप लोग को ELT टेस्ट करना है, तो आप नेक्स्ट आवर के फर्स्ट 5 मिनट में ही टेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके 1:05, ये 5 मिनट के अंदर ही आप ELT का टेस्टिंग कर सकते हो।
वो भी एटीसी को इन्फॉर्म करने के बाद, एंड दैट टू आप खाली 3 बीप्स तक उसका टेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिमिलरली फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ एन आवर, इसके बारे में एक और बार बताता हूँ कि अगर मुझे 3 o'clock को मुझे टेस्ट करना है तो मैं 3 से लेकर 3:05 तक ही टेस्ट कर सकता हूँ, 4 से लेकर 4:05 यानी कि फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ एनी आवर इसके बीच में ही मैं टेस्ट कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं नहीं कर सकता। उसके बाद आगे बात करते हैं बैटरी सर्विसिंग के बारे में। जो ELT का बैटरी है उसको हम लोग हर 2 ईयर्स के बाद चेंज करना है, या फिर अगर मैंने 20 मिनट्स उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर लिया उसके बाद, ये दोनों ही सर्कमस्टेंसेस जो भी पहले अराइज होती है उसके बाद हम लोगों को बैटरी का सर्विसिंग करना है। उसके बाद बैटरी इंस्पेक्शन, ये हम लोग को एवरी 12 मंथ्स में कंपलसरीली करना है। उसके बाद जो ELT होता है उसमें 3 स्विचेस होते हैं, दैट इज ऑटो, ऑन एंड ऑफ। ऑटो स्विच जनरली जो ELT है वो ऑटो स्विच पर होता है, यानी कि जैसे ही फोर्स एक्ट हो वो शुरू हो जाए एक्टिवेट होना। उसके बाद जो सेकेंड स्विच है दैट इज ऑन स्विच। ऑन स्विच जनरली हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, जब भी हम लोग को ELT का टेस्ट करना होता है तो हम लोग मैन्युअली ELT को ऑन करते हैं एंड उसके बाद ही टेस्टिंग होता है। अब बात करते हैं ऑफ स्विच की, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हैवी टर्बुलेंस के टाइम में भी 5G से ज़्यादा फोर्स एक्ट कर सकता है एयरक्राफ्ट के ऊपर, तो वैसे टाइम पर हम लोग जो स्विच है उसको ऑन ऑफ मोड पर रखते हैं, बट एज सून एज वी आर आउट ऑफ टर्बुलेंस वी हैव टू आर्म इट अगेन इन द ऑटोमेटिक पोजिशन। ये था स्विचेस के बारे में। अब क्या एयरक्राफ्ट ELT के बिना फ्लाई कर सकता है? सो आंसर इज येस, देर आर सर्टन एयरक्राफ्ट दैट कैन फ्लाई विदाउट ELT। फॉर एग्जाम्पल अगर फेरी राइड है या फिर अगर एयरक्राफ्ट 50 नॉटिकल माइल्स के अराउंड एयरपोर्ट के अराउंड ही अगर फ्लाई करने वाला है टेस्ट फ्लाइट्स, तो वो केस में भी एयरक्राफ्ट बिना ELT के फ्लाई कर सकता है। एंड थर्ड इज जो पेस्टिसाइड्स या फिर केमिकल्स का अप्लाई करने के लिए जो एयरक्राफ्ट यूज होता है बड़े बड़े फार्म एरियाज में, वो एयरक्राफ्ट बिना ELT के फ्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज इट अबाउट द ELT। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर कोई भी सब पॉइंट पर आप लोगों को डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, या फिर और भी कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो उसे भी जरूर कमेंट करना, मैं श्योरली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया रहेगा, एंड अगर ये पसंद आया एंड आप लोगों को ईजी वर्ड्स में समझ में आया है वॉट इज ELT, मेक श्योर यू शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट।